आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अल्जेब्रिक फार्मूलास। इस टॉपिक में हम सबसे पहले इस फार्मूले को डिस्कस करते हैं। इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हमें एक एग्जांपल कंसीडर करनी होगी। एग्जांपल में हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को फैक्टर्स की फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले 100 का स्क्वायर लिया जाएगा, इसके बाद फार्मूले का 2 लिखा जाएगा, फिर 100 को लिखा जाएगा, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा और फिर 7 को लिखा जाएगा, आखिर में 7 का स्क्वायर लिया जाएगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने से हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी और जब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल होगा। अब हम इस फार्मूले को डिस्कस करते हैं। इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हम अगेन एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन को फैक्टर्स की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। सबसे पहले 90 का स्क्वायर लिया जाएगा, इसके बाद फार्मूले का 2 लिखा जाएगा, फिर 90 को लिखा जाएगा, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा और फिर 3 को लिखा जाएगा, आखिर में 3 का स्क्वायर लिया जाएगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने से हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को मजीद सिंप्लीफाई करने से हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल होगा। अब हम इस फार्मूले को डिस्कस करते हैं। इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हम एक क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन को फार्मूले की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। जब हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 का स्क्वायर लेना होगा। इसके बाद प्लस 7 को माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें 7 का स्क्वायर हासिल होगा। जब हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को मजीद सिंप्लीफाई करने से हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल होगा। अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें हमें कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और एक्स फोर प्लस 1 ओवर एक्स फोर की वैल्यूज को फाइंड कीजिए, जबकि हमें x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू 2 दी गई है। सबसे पहले हम x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 का स्केयर लेते हैं। स्केयर लेने से हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने से हमें ये वैल्यूज हासिल हो जाएंगी। जब हम माइनस 2 को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने से हमें एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर का आंसर 6 हासिल होगा। अब हम x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 की बोथ साइड्स का स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेने से हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने से हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। जब हम 2 को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने से हमें एक्स फोर प्लस 1 ओवर एक्स फोर की वैल्यू 34 हासिल होगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।